दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंगल, वास्तु एक्सपर्ट। हम हर बार एक नए विषय के साथ यहां उपस्थित होते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे, वो बहुत अहम है वास्तु के साथ साथ। कि जब भी हम कोई घर खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई ऑफिस खरीदते हैं, तो वास्तु में उस पूजा का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है वो पूजा, क्यों करनी चाहिए वो पूजा, क्या होता है उस पूजा से, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। जब हम कोई भी घर खरीदते हैं और जब हम उस घर में पूजा कराते हैं, उसमें दो तीन चीज एक साथ चलती हैं, क्योंकि जब वो घर बना, किस तरह की वहां वाइब्रेशन थी, कैसी एनर्जी थी, किस तरह के वहां क्रियाकलाप थे, उसको बनाते वक्त लोगों का थॉट क्या था, आसपास सराउंडिंग में क्या था, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम गृह प्रवेश की पूजा करते हैं और उसी के साथ साथ वास्तु की भी पूजा करते हैं, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस पूजा से जो भी उस घर की नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उसको हटाने का काम करती है। और जैसे ही हम उस घर में रहने जाते हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है, पूरी फैमिली की जो एनर्जी होती है वहां पर, वो अपनी एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करके उसके साथ अपना संबंध स्थापित करती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी उस घर के साथ अपना फ्लो, अपना संबंध नहीं बिठा पाती। उसका एक रीजन और भी है, वास्तु में जब हम वास्तु पूजा करते हैं तो हर एक दिशा के अपने एक देवता होते हैं, हर एक दिशा के अपना एक महत्व होता है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उस दिशा के देवता को नमस्कार करना, उसका पूजा करना, उसका आह्वान करना और उसका स्वागत करना कि आज से, अब से मैं इस जगह पर रहने आ रहा हूं, तो प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए या अपनी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी का संबंध स्थापित कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम उस घर की एनर्जी से अपनी एनर्जी का संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। और जैसे ही अगर उस घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है और हम जाके जब उस घर में रहना शुरू करते हैं, तो वो इतना बढ़िया नजारा होता है, इतना सुकून वाला नजारा होता है कि पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। कई बार देखने में ये आता है कि लोग ये बोलते हैं कि अरे ये सब अंधविश्वास है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, क्या होगा इन चीजों से, और कई बार लोग ये पूजा पाठ नहीं कराते। सब कुछ अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, घर अच्छा है, महंगा फर्नीचर आपने लगाया, महंगा झूमर, महंगी बेडशीट, महंगे बेड, महंगे सोफे, सब कुछ आपने किया, लेकिन वो सुकून, वो शांति उस घर में आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपने उस घर में आने से पहले जो भी एनर्जी थी उसके साथ आपने अपना कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं किया। अब इसमें आपको एक विशेष चीज में बताना चाहती हूँ, चीज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। जैसे ही हम कोई नया घर खरीदते हैं और उस घर में जाने से पहले, सबसे पहले आपको एक नमक की पैकेट लेना चाहिए, वो जो नमक की मैं बार बार बात करती हूँ, सांभर नमक का पूरा एक पैकेट लेके सबसे पहले उस घर के किचन में रखना चाहिए। जब तक आप शिफ्ट होते हैं, एटलीस्ट उससे 15-20 दिन पहले, वो उस घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करता है। दूसरा एक चीज, अगर हमें ये जानना है कि हम जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं वो घर हमारे लिए फलीभूत है कि नहीं, उस घर में नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, ये आप अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं। चीज बहुत अजीब सी है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उस घर में प्रवेश करने से पहले कुछ दिन तक आपको एक प्रोसेस करना है। उस घर के चारों कॉर्नर्स में आपको एक एक कांच के बाउल में एक एक एग को रखना है। आप देखेंगे कि अगर आपको 24 घंटे तक वो एग रखना है चारों दिशाओं में, अगर वो एग ब्रेक हो जाता है, इवन वो क्रैक आता है या टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है। जब तक एग टूटना बंद नहीं होता, तब तक आप उस एग को रखने का प्रक्रिया रिपीट करते रह सकते हैं। जैसे ही वो एग टूटना बंद होता है, तब आप ये समझ सकते हैं कि उस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत अजीब सा प्रोसेस है, क्योंकि एग भी जीवन होता है, तो कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप करके देखिएगा, ये प्रोसेस भी मेरा बहुत अजमाया हुआ है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के साथ ये जरूर करवाती हूँ उस जगह की नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के लिए। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि हम कैसे माने यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, हम कैसे माने कि हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उस प्रोसेस के लिए आप ये देख सकते हैं खुद ही। कई बार नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही आपने एग रखा वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। कई बार क्या होता है, वो 6 घंटे के बाद ब्रेक हो रहा है, कई बार 1 दिन के बाद ब्रेक हो रहा है,
ये प्रोसेस आपको पूरा 1 वीक करना है। अगर 1 वीक तक कोई भी एड ब्रेक नहीं होता तो समझ लीजिए कि वो घर पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित है, वहां किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। दूसरा एक चीज कि जब भी हम किसी घर में जाते हैं वहां पे सुबह दोपहर शाम जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का बहुत अच्छा काम करता है। हर एक शाम को इवनिंग में जब होता है आपका 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है उसमें हमेशा आपको चंदन की अगरबत्ती, हाँ स्पेशली चंदन की अगरबत्ती आपको यूज करनी है। आप अपने लिविंग रूम में या अपने पूजा स्थान में चंदन की अगरबत्ती जला के रख सकते हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करती है, डिप्रेशन को हटाने का काम करती है, आपके अपसेट मूड को ठीक करने का काम करती है। इसको हम डे टू डे की लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं। पहली बात तो कि हमने वास्तु पूजा की, उसके बाद भी जब हम वास्तु पूजा करके घर में प्रवेश कर गए उस एनर्जी को कैसे बरकरार रखें, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज पसंद आई होगी और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। ये एग वाला फार्मूला आप जरूर आजमा के देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप ये बोलेंगे कि ये अजीब सी रेमेडी आई कहां से, क्योंकि जब हम किसी ज्ञान की खोज करते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान अलग तरीके से अपने पास आ ही जाता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करके आपको भी लाभ पहुंचाया जाए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपको इस बारे में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।